भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा अपने विवादित बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में है। सीहोर के एक कार्यक्रम में उन्होंने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी, जहां छत्रियों को अधिक से अधिक संतान पैदा करने के लिए उन्होंने कहा तो प्रदर्शनकारी किसानों को देश विरोधी उन्होंने बता दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम को पागल तक कह दिया। वहीं हिंदू राष्ट्र का भी फिर से राग अलापा। इससे पहले भी अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार साध्वी चर्चा में रहती है। इसी मामले पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। एक कार्यक्रम के दौरान सीहोर पहुंची भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय अपने कर्तव्य को समझें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें। साथ ही प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून उनके लिए होना चाहिए जो देश में राष्ट्रघाती गतिविधियां करते हैं। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अधिक संतान पैदा करना पड़े करिए, क्योंकि आपको अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में पुत्रों को भेजना है, और अब तो अपनी पुत्रियां और वीरांगनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। बहुत अच्छे होंगे, बस हमारी बात कि राष्ट्र के लिए संतान पैदा करिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी मिलिट्री में वर्तमान समय में सैनिक बनाइए, राष्ट्र की रक्षा करिए। साथ ही सांसद प्रज्ञा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राष्ट्र को अपमानित करते हैं, भगवा को आतंकवादी कहते हैं, वो क्षत्रिय नहीं होते, और ऐसे शब्द बोलने वाले लोगों को राजा नहीं कहना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि देश विरोधी लोग इसमें शामिल हैं। ये किसान नहीं, उनके वेश में वामपंथी और कांग्रेसी हैं, जो किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से देश विरोधी लोग शामिल हैं, क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ, वही जेएनयू के स्टूडेंट कहे जाने वाले लोग वो वहाँ सम्मिलित थे, कुछ फिल्मी वामपंथी वो भी वहाँ सम्मिलित थे, और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें, जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए। वैसे पहली बार नहीं है कि जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विवादास्पद बयान दिए हैं, बल्कि इससे पहले भी वो इसी तरह के बयान देती आई हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयानों को नजरअंदाज करती रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर, सीहो, न्यूज स्टेट। तो भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हर बार इस तरीके के बयान देती हैं कि पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्य प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप माहौर जी बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखेंगे, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस से, और शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप माहौर जी, आप ही से समझने की कोशिश करेंगे, कितना इत्तफाक आप इस बार साध्वी के दिए बयानों से रखते हैं, या इस बार भी यही कह देंगे कि ये उनका निजी बयान है? इस्तेफाक रखता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बोला है कि जो किसान आंदोलन है ये कम्युनिस्ट का आंदोलन है, बिल्कुल सही बोला हुआ है, और मैं इस बात को बिल्कुल प्रूव कर सकता हूं। इसमें कौन कौन से चेहरे इन्वॉल्व हैं, अगर आप उसको देखेंगे अच्छी तरीके से, आपको समझ में आएगा ये पूरी तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन है। वीएम सिंह ऑल इंडिया किसान संगठन समिति के नेता है, के अध्यक्ष हैं, और 632 करोड़ की उनकी संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर करी थी, कांग्रेस के टिकट से लगा था। धर्मपाल सीपीआई, ठीक है, हसन मल्ला सीपीआई, प्रेम सिंह बांगू एडवोकेट हैं ये, जगन सिंह पटियाला सीपीआई, और साथ साथ में ये माओवादियों से जुड़े हुए हैं, करणजीत साखे एडवोकेट है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एडवोकेट है, सीपीआई के नेता है, ये यहाँ पे खड़े होकर किसान बन के नौटंकी क्यों कर रहे हैं? तो सर, क्या आपके हिसाब से दिल्ली जो पंजाब से किसान पहुंचा हुआ है उनमें किसान है ही नहीं, किसान बनके सिर्फ नौटंकी हो रही है? बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूं कि जो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से जो नेता है जिनके चेहरे सामने हैं, अच्छा आप एक और भी मैं एग्जांपल देता हूं, राकेश टिकैत जी, मन से सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन उन्होंने 4 जून 2020 को इंडिया न्यूज के ऊपर अपना बयान दिया था, जो कि रजिस्टर्ड है, आप चेक भी कर सकती हैं, किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। अब ये क्या हो गया,
ये कौन ड्रामा चल रहा है वहां पे? दिल्ली में कुल मिला के कुछ किसानों को बरगला के, उनको गलत बातें बता के उनको वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है और वहां पे पूरा एक नौटंकी ड्रामा चल रहा है। जो ये तो आप मानते हैं ना, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सर सुनिए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आज भी 50,000 किसान पंजाब से पहुंच रहा है दिल्ली, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसमें किसान होगा ही नहीं, किसानों की मांग नहीं होगी। देश भर के किसान आंदोलन पर उतरे हैं, तो क्या उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्योंकि बात रखेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। गुंजन जी, मैं बिल्कुल ये बोलता हूं कि उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार उनको किसने दिया कि दिल्ली की जनता को एक हाउस अरेस्ट में रख दे? दूसरी चीज ये, मैं तो ये बोलता हूं कि ठीक है किसान हमसे बात करें, ये दर्शन पाल जी क्या कर रहे हैं, हसन मल्ला जी क्या कर रहे हैं, प्रेम सिंह मांगू जी क्या कर रहे हैं, जन सिंह पटियाला जी क्या कर रहे हैं, करमजीत शास्त्री जी क्या कर रहे हैं, सबकी जन्म कुंडली बताऊं क्या? ठीक है, ठीक है स्वदेश शर्मा जी, ठीक है सर लौटूंगी आपके पास। स्वदेश शर्मा जी, जवाब दे दीजिए प्रदीप जी की बात का। उनका कहना है कि किसान तो वहां पर बहुत कम संख्या में, किसानों को सिर्फ बरगलाने की कोशिश हो रही है। एक मिनट, मैंने कम संख्या नहीं बोला किसानों। देखिए गुंजन जी, आज का मुद्दा ये है कि सांसद प्रज्ञा सिंह ने किसानों को देशद्रोही कहा है, तो मैं पहले इस बात को आपके संज्ञान में, आपके नहीं सर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। सर बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे सांसद के बयान पर। देखिए देखिए, किसानों की बात की जाए तो किसानों के साथ पूरा देश है, 18-20 राजनीतिक दल हैं, और वो इसलिए हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है। और आपने जो बिल कोरोना काल में इस तरह से लाए हैं जैसे बड़े अति आवश्यक काल हो, साध्वी प्रज्ञा को तो ये लग रहा है कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो देशद्रोही है। गुंजन, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि, यही तो मैं कहने जा रहा था, आपने मेरी बात को टोक दिया है। ये सांसद प्रज्ञा सिंह पे खुद ही आपराधिक मामले दर्ज हैं, चल रहे हैं, विचाराधीन है। ये बम विस्फोट की अपराधी घोषित भले ही नहीं हुई, लेकिन प्रकरण इन पर चल रहा है। सुनील जोशी हत्याकांड इन पर चल रहा है। राहुल गांधी सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान इनको 2 बार जेल में डाल चुके हैं, और ये हेमंत करकरे को भी अपमानित कर चुकी हैं। इनके मुंह से ये कहा जाना तो कोई ज्यादा नहीं लगता हमें, वो तो कह सकती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी छात्र आंदोलन, चाहे जेएनयू का आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग आंदोलन हो, कोई अपनी आवाज उठाता है उसको। प्रदीप माहौर जी, एक बयान की बात नहीं है ना सर, नाम से कहते हैं। अभी तक कितने बयान साध्वी प्रज्ञा के सामने आ चुके हैं? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण के जाति के हिसाब से होना चाहिए जैसा साध्वी कह रही है? गुंजन देखिए, उनके बाकी बयान जो है उनमें कई जगह पे गलतियां हुई, पार्टी ने उनको फटकार भी सुनाई, कल भी इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। मैंने क्लियर बोला था कि देखिए पार्टी जो है अपना एक्शन लेती है, पार्टी उनसे बातचीत करती है, लेकिन आज का जो उनका बयान है अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सर, तीन बयान है उनके आज के, तीन बयान है किसानों को लेकर आपने अपना स्टैंड रख दिया। आप मुझे ये बताइए, वो तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी यही कह रही है कि छत्रियों को बच्चे पैदा करने चाहिए, तो क्या जाति के हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण होगा? सर देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गुस्से में आ जाता है तो उसके मुख से कुछ तरह की चीजें निकल जाती हैं, जिसमें के और भी चीजें आ जाती हैं, वो उस बात से। अरे विद्वान मित्र, ये बता दीजिए आप, लोकसभा के सदस्य हैं वो, लोकतंत्र में लोकसभा पूरे देश के लोगों के लिए, 130 करोड़ युवा वासियों के लिए कायदा कानून की सुरक्षा। आपको तो भाई साहब बोलने का कोई हक नहीं बनाता है, आपके नेता जो है काम करता है, ये सांसद महोदय इस तरह के बयान दे रहे हैं, इतनी अज्ञानता करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा मांग रही है, ट्रांसफर करेंगे, भारत की गुप्त सूचनाएं ट्रांसफर करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट करके आते हैं आपके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो बोलने का यहाँ पे हक ही नहीं है कोई भी। ठीक है, आप किस में से बोल रहे हैं? ठीक है प्रदीप माहौर जी जान देने वाले, ठीक है स्वदेश शर्मा जी, प्रदीप माहौर जी आप ये कह रहे थे कि गुंजन, उन्होंने ये नहीं कहा, एक बार आप खुद पहले बयान सुनिए उसके बाद बातचीत करेंगे। ऐसी महिला जो विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहाँ उसको टिकने नहीं देंगे, और यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ये निश्चित है, और बंगाल हमारा हिंदुओं का राज्य होगा। प्रदीप माहौर जी, क्या हिंदू राष्ट्र ही है भारत? क्या मुसलमानों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनेगा?
देखिए हिंदू राष्ट्र का जो मतलब है, हम लोग बार बार ये कहते आए हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है ही नहीं कि मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय ये तय हुआ था कि पाकिस्तान जो है मुसलमान राष्ट्र रहेगा, भारत जो है वो हिंदुओं का राष्ट्र है। पाकिस्तान वाले भी इसको हिंदुस्तान नाम देते हैं शब्द। नहीं सर, हमारे देश में तो सबको बराबर अधिकार देने की बात कही जा रही है। एक मिनट, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। आप गुंजन, आप बीच में बोलेंगे ना तो क्या आधी अधूरी बात रह जाएगी, पूरे लोग कहिए कहिए सर कहिए। तो क्या है कि उस समय पे जब हिंदुस्तान बना तो हिंदुओं ने ऐसा डिसीजन लिया कि सब लोग मिलके रहेंगे, वहां पे ज्यादातर हिंदू थे जिन्होंने ये निर्णय लिया सब मिलके रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र का कभी ये मतलब नहीं होता कि वहां से मुसलमान भगा दिए जाएंगे, वहां पे मुसलमानों का उत्पीड़न होगा। हम पाकिस्तान नहीं है, जो पाकिस्तान में जिस समय पे मुसलमान नेशन बना था ये पाकिस्तान, उस समय पे वहां पे कितने परसेंट हिंदू थे, आज हिंदुओं की क्या हालत हो गई है, हम वैसे नहीं है बिल्कुल। तो क्या सर कोई भी सांसद इस तरीके का बयान दे सकता है, कोई जनप्रतिनिधि जिसको जनता को? सर सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए सर, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, आपसे जवाब भी मैं लूंगी। आप मुझे बताइए क्या कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का बयान दे सकता है जब वो ऐसे पद पर बैठा हुआ है जहां उसको सब एक समान भावना से देखना है? पहले तो वो कहती हैं कि क्षत्रियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण जाति के आधार पर होना चाहिए। दूसरी तरफ वो हिंदू राष्ट्र से बताती हैं। देखिए ये उनका स्वयं का बयान है, इसके ऊपर नहीं सर, आप इस बार बच नहीं सकते। नहीं सर, हर बार बीजेपी की ओर से यही कहा जाता है जब भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बयान देती है कि ये उनका निजी बयान है, क्या पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है उनका? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर उनके बयान में कहीं भी कोई गलती होगी तो पार्टी उसको एनालाइज करेगी, एनालाइज करके उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा लेगी। लेकिन उनके जो दो बयान है, हिंदू राष्ट्र को सब क्या माहौर साहब स्पष्ट कीजिए, इन पर कार्यवाही होगी? ठीक है, क्या इनको सांसद पद से इस्तीफा मांगा जाएगा? ठीक है सत्य प्रकाश जी, ठीक है प्रदीप जी लौटेंगे आपके पास। सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह बयान देती है, हर बार कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, बीजेपी भी कहती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी पहले कह दिया था कि मैं साध्वी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, फिर क्यों बार बार इस तरीके के बयान देती है? जी गुंजन जी, साध्वी प्रज्ञा भारती जो भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम लोकसभा भोपाल से, उनके बारे में एक्चुअली सी इज नोन फॉर कंट्रोवर्सियल रिमार्क्स। उनका कंट्रोवर्सियल रिमार्क से रिश्ता है, उनने आज तक कभी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई ऐसा बयान नहीं दिया देश में जिससे उनकी वाहवाही हो। उनका और इस कंट्रोवर्सियल बयान का बड़ा गहरा रिश्ता है, चाहे वो उन्होंने गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को देशभक्त बता दिया हो, चाहे उन्होंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि वोट तो खरीदा जा सकता है, और अगर किसी वोटर ने अगर किसी मेंबर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा सांसद को वोट दिया है तो उसने उसको खरीद नहीं लिया है, मतलब वो इस प्रकार के बयान तो देती हैं। इसके कारण राजनाथ सिंह जी ने उनको, आपको ध्यान होगा कि जो डिफेंस पैनल था उसे निकाल दिया गया था जिस समय उन्होंने नाथुराम गोडसे को पेट्रॉइड कहा था। इस स्थिति में जब जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मन से कभी भी आई विल नेवर फॉरगिव प्रज्ञा भारती, मन से कभी उनको माफ नहीं कर सकता, लेकिन क्या हुआ, उनके पास क्या एक्शन लिया गया? कोई भी एक्शन लिया? एक अमित शाह उस समय देन जो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, उन्होंने एक जांच स्टैंड की थी इनके अगेंस्ट, कि उसने कहा था कि 10 दिन में आप इसका जवाब दें और उसमें एक्शन होगा, बट कोई एक्शन भारती के खिलाफ या सॉरी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि प्रज्ञा भारती एक अब लोकसभा की सदस्य हैं और उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कह रही है। इस बयान में आपने ध्यान नहीं दिया, एक चीज और उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण कह के कहा बुलाया जाए तो कोई बुराई नहीं है, छत्री को छत्री कह के बुलाया जाए तो उनको कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन यदि एक शूद्र को यानी कि शेड्यूल कास्ट को अगर उनका नाम शूद्र लेके कहा जाए तो उनको बुराई क्यों होती है? मतलब ये ऐसे बयान जो समाज को काटने के काम करते हैं, ये बीजेपी की एक, जिसमें बीजेपी एक संस्कारों संस्कृति के लिए जानी जाने वाली पार्टी है देश में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मोदी की टीम का पार्ट हो, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, उसके खिलाफ तो बीजेपी आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन बाय द बीजेपी। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास, लेकिन
फिर भी बीच ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। शुभम भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहले से ही बयान देती हुई आई हैं, लंबी फेहरस्त है उनके बयानों की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि या तो बीजेपी इस बात से कह के बच जाती है कि ये उनका निजी बयान है, या फिर नाराजगी भी जता दी जाती है, कार्यवाही की बातें तो होती है, नोटिस भी थमा दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद नोटिस के बाद क्या होता है? देखिए गुंजन, ये सिर्फ और सिर्फ एक खानापूर्ति रहती है जब भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोई भी बयान आता है, और एक के बाद एक उनके विवादित बयान सामने आते ही रहते हैं। और जहां तक जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुसलमानों को लेकर क्या कुछ रवैया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है ये सभी के सामने। हाल ही में उन्होंने हमसे बातचीत की थी, उसमें ये कहा था कि जितने भी कोई भी मुसलमान हो, अगर आपके घर पर वो आता है तो उसे आप आने मत दीजिए। अगर आपका वो दोस्त है या फिर घर के किसी काम गैस सिलेंडर वाला अगर कोई आ रहा है, सब्जी वाला कोई आ रहा है, इस तरह का कोई भी अगर शख्स मुस्लिम है तो उसे आप एंट्री ही मत दीजिए। तो ये इसे आप क्या कुछ कहेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि हर धर्म मिलकर रह रहा है और इस तरह से कोई सांसद इस तरह की बातचीत कर रहा है, इससे पहले भी कई तरह के उनके विवादित बयान रहे। देखिए बीजेपी का कोई नेता उनके बयानों से समर्थन नहीं करता है, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए इतने बयान आते हैं, मगर न तो कोई उनका समर्थन करता है न कोई उनका विरोध करता है, हर कोई उसे इग्नोर करता है। किसी नेता के पास अगर हम अभी चले जाएंगे बीजेपी के, उनसे पूछेंगे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है, तो वो पहले ही कह देते कि इस बारे में मुझसे आप सवाल मत कीजिए। तो इस तरह से बीजेपी के ही नेता अपने सांसद से बचते हुए नजर आते हैं। और आप देखिए कि जितने बयान आते हैं, कभी किसी बीजेपी के वहाँ पर प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी टाइप के कोई लोग नहीं होते हैं जो वहाँ पर उस तरह का उनका कार्यक्रम करवा रहे हों, मगर एक के बाद एक विवादित बयान देते रहना, कोई कार्रवाई नहीं करना, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अगर बीजेपी कार्रवाई करना चाहे और बोल दे कि आपको किसी तरह का कोई बयान, तो उसके बाद अपने आप इस तरह के बयान रुक जाएंगे। कोई तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना चुनाव के वक्त कि मैं मन से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा प्रधानमंत्री का, या पार्लियामेंट में आप एक सांसद ये कह दे कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था, तो इससे बड़ा बयान और इससे विवादित बयान तो और कुछ नहीं हो सकता कि देश की संसद में एक सांसद इस तरह का बयान दे दे कि गांधी का जो हत्यारा था उसे आप सीधे तौर पर देशभक्त कह दे, और उसके बाद भी कार्रवाई के तौर पर क्या कि आपने डिफेंस जो सुरक्षा समिति थी उसमें आपने शामिल किया था, वहां से आपने हटा दिया। तो ये तो फेरिस्त, और ऐसा लगता है कि जब तक कार्रवाई किसी तरह की नहीं होगी इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है प्रदीप माहौर जी, कार्रवाई की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? बयानों से इत्तेफाक तो आप भी नहीं रखते हैं, बीजेपी कई बार किनारा कर चुकी है, ये उनका निजी बयान है, इसका मतलब ये आप जानते हैं कि इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। एक के बाद एक बयान वो देती जा रही हैं, आप कार्रवाई की बात तो कहते हैं लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाती। कुचन जी देखिये, कार्रवाई के बहुत सारे स्तर होते हैं। एक कोई अगर नेता है, उनको अगर ये बोल दिया जाए कि मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई है किसी भी नेता के खिलाफ है। लेकिन मैं आपका जो ध्यान है दूसरी तरफ लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि किसान नेता जो के ऊपर उन्होंने जो बयान दिया उसमें शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के रिहाई के लिए मांग आती है। आप देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, ये किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ भी चल रहा है। आज मैं उनकी जो आज की बात है उससे पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। मैं ये बोलता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन फेक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी आपके अर्बन नक्सल और आपके जो देखिए देश। स्वदेश शर्मा जी से जवाब लेते हैं। स्वदेश शर्मा जी, क्या पूरा का पूरा आंदोलन फेक है? क्योंकि बीजेपी को तो यही लग रहा है पूरा आंदोलन फेक है, गोल गोल जलेबियां बनाने का काम कर रहे हैं, समय निकल जाए इसकी बात कर रहे हैं वो। आपके नेता सही जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, वो गुप्त एग्रीमेंट करके आते हैं, आपको यहाँ पे बोलने का कोई हक नहीं है। जो देशद्रोही आपके जो नेता रहते हैं चाइना के साथ में सीक्रेट एग्रीमेंट, आप सोचिए कितना बड़ा देशद्रोह है। आपको अपने नेता आपकी आत्मा गवाह कैसे कर देती है, आपकी आत्मा कैसे बोल देती है ऐसे नेता के साथ में खड़े होने के लिए? देखिए जेएनयू में अगर आंदोलन छात्र करें तो देशद्रोही, शाहीन बाग में आंदोलन हो तो देशद्रोही, हमें आवाज उठाए तो देशद्रोही, कांग्रेस कोई भी आवाज उठाती है देशद्रोही। आज अन्नदाता किसान, सीमांत किसान क्या करे जब आप अडानी अंबानी के साथ मिलकर के कोरोना काल में ऐसा बिल लेकर आए हैं, प्रधान सड़कों पर है, लाखों किसान रोड पर है, कड़ाके की ठंड में आप उनपे पानी की बोतलें छोड़ रहे हैं, और एक किसान
किसान प्रदीप माहौर जी, स्वदेश शर्मा जी, सिर्फ किसानों को लेकर दिए बयान की ही बात नहीं है ना, साध्वी के बोल हर बार क्यों बिगड़ जाते हैं और बिगड़ते हैं तो अपना बीजेपी स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करती है, बीजेपी किनारा कर लेती है, देखिए इसका मतलब सीधा सीधा यही है ना सर। सर अभी आप कह रहे थे सोती सम, भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, इन्हीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रज्ञा सिंह को दो बार जेल में डाला, इन पर बम विस्फोट का प्रकरण आज भी चल रहा है, सुनील जोशी हत्याकांड का प्रकरण आज भी चल रहा है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहती है, ये सारी साजिशें आज इनको आसाम का चुनाव दिखाई दे रहा है, इस तरह के बयानबाजी करवाए जाना ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। यहाँ एक लाइन न्यूज स्टेट के पत्रकार शुभम गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा ने भी इन पर सवाल खड़े किए, क्या ये किसी पार्टी के हैं, ये निष्पक्ष लोग हैं, इन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया, सत्यप्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं, सत्यप्रकाश जी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को आपने सुना, आपको क्या लग रहा है, क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक चीजें रह गई है, क्या जनप्रतिनिधि की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, जनता ने जिसको चुना है क्या उसकी यही जिम्मेदारी है कि उल जुलूल वो कुछ भी बोलता चला जाए? जी गुंजन जी, जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और जब लोकसभा में वो पहुंचता है तो वहां एक शपथ ली जाती है, उस शपथ में देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन सब चीजों को उसमें बखान किया जाता है कि हमें इन चीजों का ख्याल रखना है, इनको मेंटेन करना है। ऐसे कोई आम आदमी कहता है तो वो एक चुट चल जाता है, उसको सजा दे दी जाती है, उसको उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये चीज कहे, क्या यही भाजपा की संस्कृति को ये आगे ले जा रही है? क्या भाजपा को जो ऐसे बड़े बड़े लोगों ने भाजपा को सींचा है उनको, उनकी संस्कृति को ऐसे आगे ले जा रही है? ये देश ना केवल हिंदुओं का है, ये देश सभी का है, मुस्लिमों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का है। आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताऊँ, अगर इस आंदोलन की बात कहें, फार्मर्स जो एजिटेशन चल रहा है या प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये नहीं कह सकते थे कि ये लोग, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाए? साध्वी जी कहती हैं कि इन लोगों को जेल में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं, वो लोग भी तो कह सकते थे, वो लोग भी इनको जेल में डाल सकते थे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पर जो एजिटेशन है, जो प्रोटेस्ट है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक गरिमा है, उस गरिमा के हिसाब से आपको बोलना चाहिए। और वो कुछ भी नहीं, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कैसे भी हम किसी भी तरीके से देश की राजनीति में छा जाए, कुछ भी कंट्रोवर्सियल बयान देकर भाजपा में ये सब चीज शायद बर्दाश्त आगे अब ना की जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्तित्व इनके अगेंस्ट कह सकता है कि मैं इनको मन से नहीं निकाल सकता, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, सबसे ये एक्शन होना बहुत जरूरी है, ये कहीं ना कहीं भाजपा की हो जाए तो फिर इमेज को, बीजेपी का भी स्टैंड, भाजपा की इमेज को, बीजेपी अपनी इमेज को लेकर, अपनी संस्कार को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर खड़ी है। स्वदेश शर्मा जी, मजबूत विपक्ष में आप हैं, क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने की ही जिम्मेवारी है आपकी? देखिए, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है सत्यता को सरकार के सामने लाना, और जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट करना कि ये गलत है, ये सही है, तो गलत सही की पहचान करके हमको सही के साथ खड़े रहना, यही विपक्ष की भूमिका है, और जन जन के लिए काम कांग्रेस करती है, करती आई है, जिसकी आज़ादी से लेकर अब तक आज भी हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। सरकार में होते तो हम फैसले अच्छे लेते, देश को इस तरह से उद्वेलित नहीं होना पड़ता। दिल्ली में बयान देती हैं, बीजेपी कार्रवाई की बात भी कहती है, नोटिस भी दे दिया जाता है, विपक्ष क्या करता है? विपक्ष का काम है ना जनता की आवाज बनना। देखिए, विपक्ष क्या करता है? देखिए, जनता की ही आवाज है, देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संविधान के खिलाफ जो सांसद महोदया कर रही है, इन पर जरूर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ तक इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है, ये आसाम का चुनाव उनको दिख रहा है। क्या आपको दोनों राजनीतिक पार्टियों को सुनकर लगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा बचती है और कांग्रेस आरोप लगाती रहती है, क्या साध्वी प्रज्ञा इसी तरीके से बयान देती रहेंगी, क्या ये मान लिया जाए? देखिए
देखिए उनके बयान तो इसी तरह से आते रहेंगे क्योंकि 2019 से ही हम देख रहे हैं। मगर एक सवाल आपको रोकना चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, और यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए।